शाहरुख खान और लियोनेल मेसी जैसे सेलेब्स का ब्रांड एंडोर्समेंट से लेकर एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक बायजूस ने पिछले 3-4 सालों में इंडियन एडटेक में क्रांति लेकर आने का काम किया है। साथ ही $22 बिलियन की वैल्यूएशन लेकर व्हाइट हैट जूनियर, आकाश और ग्रेज लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनीज को खरीदने तक का सफर बायजूस ने महज 3 साल के दौरान किया था। उस समय ये दुनिया का मोस्ट वैल्यूड एडटेक स्टार्टअप था, लेकिन अब बायजूस लेऑफ्स, 75% वैल्यूएशन डिप्लेशन और फाइनेंशियल स्कैंडल्स का सामना कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से कभी इंडिया से टेक सेक्टर का पोस्टर चाइल्ड बायजूस अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है? इसके डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ी वजह थी अनप्लान्ड और एग्रेसिव एक्सपेंशन। साल 2019 से 2021 के बीच बायजूस ने $2 बिलियन में 5 बड़ी एडटेक प्लेटफॉर्म्स का एक्विजिशन किया था और इनमें से सभी स्टार्टअप्स भारी भरकम लॉस भी इनक्योर कर रहे थे। दूसरी वजह मानी जाती है बायजूस द्वारा एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसका सहारा लेकर इन्होंने अपना वैल्यूएशन कई गुना ज्यादा प्रोजेक्ट किया था। साथ ही लिक्विडिटी क्राइसिस और रेडवुड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से $300 मिलियन का लोन डिफॉल्ट भी बायजूस की पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग का हिस्सा है। इसी के साथ बायजूस ने एक बड़ी अमाउंट मार्केटिंग में भी खर्च कर इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी को स्पॉन्सर किया था और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी थी। बायजूस के इस ओवर एम्बिशंस ग्रोथ स्टोरी में ग्रहण लगना शुरू हुआ 2022 में, जब कोविड के बाद ज्यादातर एजुकेशन सेक्टर दोबारा से ऑफलाइन मोड में ट्रांसफर हो गए थे। कंपनी को उम्मीद थी कि उसकी मार्केटिंग टैक्टिक्स की वजह से उसकी ग्रोथ में तेजी बनी रहेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अपने एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और इन्वेस्टर से फीडबैक को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से बायजूस की ब्रांड लॉयल्टी तेजी से गिरी और स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को स्टेबल ग्रोथ हासिल नहीं करा पाया। सबसे बड़ी गलती रही कि बायजूस ने ब्रांड वैल्यू की जगह ब्रांड वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस किया था, जिससे लॉन्ग रन में कंपनी अपने को खड़ा नहीं कर सकी। हालांकि ये कहानी सिर्फ बायजूस की नहीं है, बल्कि अनार, हाइक और जेस्ट पे जैसे स्टार्टअप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।